I'm kind of glad you didn't pick up. I kind of just called to hear your voice. I miss you. I've been thinking about you, and I've been thinking about our love. चलो आंटी, बाय बाय। सब्सक्राइब करना, आएंगे अब लेके जाएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर टाइम। इधर को गए, हाँ अपन आए इधर से ना, पार्ट वन। होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा, ये उसका कंटिन्यूड पार्ट है। यहाँ से निकलने का है कि नहीं है रास्ता, यहाँ से गए ना यूडी लोग। और रील्स 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 भाई, ये रोड कुछ अलग है जहाँ से हम लोग नहीं आए थे। सॉरी, थोड़ा सा टाइम लगा होगा ये व्लॉग को अपलोड होने में। यहाँ कई रोड भी भाई, ओहो बिल्कुल ड्रिफ्टिंग रोड है। पूरी रोड में ना रील्स 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 के लिए बैठे हैं। इतना सारा पानी पी लिया हम लोगों ने, फिर भी डिहाइड्रेशन टाइप का लग रहा है। लेकिन ये पूरी सीमेंटेड रोड बना दिया है यार ये लोगों ने तो। ये अपन कहीं और पे निकल गए। पिछले व्लॉग में जैसा मैंने बोला, ये सिटी जो है ना वो बहुत बड़ी है यार। ये रामटेक जो है, रामटेक सिटी, ये छोटी मोटी नहीं है। यहाँ पे मतलब बहुत बड़े बड़े शॉप्स हैं, ब्रांडेड दुकानें हैं। ये था यहाँ का कुछ सिचुएशन ऐसा। अब वापस नागपुर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ तक आए हैं तो 50 किलोमीटर बस है। लोग यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट कर रहे थे और उन लोगों से हमने फ़ोटो खिंचवा ली। सब्सक्राइब टू माई चैनल और फोटो मेरे को मेल कर देना इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है? थैंक यू। भाई लोग उल्लू को मिला और वो आंटी को मिला। तो मतलब ये जो हफ्ते भर की थकान के बाद, काम करने के बाद जब ऐसे लोगों से मिलो ना, और तो उनके चेहरे में जब स्माइल देखो और जैसा वो ट्रीट करते हैं, खुश होते हैं मिलके, यहाँ यार कोई आके हमसे बात कर रहा है, तो मतलब ये एक अलग किक देता है। इसी किक के लिए मैं ये राइड वगैरह करता हूँ कि नए नए लोगों से मिलूँ, एक्सप्लोर करूँ, नई जगह जाऊँ, नए लोगों से बात करूँ, नई जगह का कुछ पता चले। वरना क्या मुझे मिलेगा ये पेट्रोल जला के, समय अपना ख़राब करके इधर उधर सब कुछ। पैसे नहीं आते इतने अभी कुछ, यूट्यूब से इतना कुछ नहीं है, लेकिन जो मिल रहा है ना ये चीज़ रामधाम है। वाटर पार्क एंड रिसोर्ट, ओहो यहाँ गए अपन कनान। कनान में अब यहाँ से मिलेगा अपन लोगों को क्या, ट्रैफिक। तो ये है कनान नदी, पानी तो बहुत है इसमें अभी इस वक्त, नहीं तो पहले तो कुछ भी नहीं रहता था। ये देखो पानी का, मेट्रो का काम इन लोगों का पहुंच गया है यार। और कितनी हाइट में है ना मेट्रो कि क्या बता। नागपुर 7 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर, एयरपोर्ट 15, हैदराबाद 507। तो यही है वो मारुति का शोरूम जहाँ से रिट्स लिया गया था। हाँ यस, ये भाई है। ट्रैफिक और सिग्नल शुरू हो गए रे भाई यहाँ के। अभी ये जो गियर्स हैं ये काटेंगे और हालत ख़राब करेंगे भाई। क्या कातिलाना गर्मी है यार, यहाँ ऐसी चटके मार रही है ना धूप। अब रोज दिन भर कमरे के अंदर घुसे रहो और एक दिन निकलो ना धूप में तो तब समझ में आती है। फ्लाईओवर में चढ़ गए और ट्रिलियम मॉल की तरफ जाते हुए ऐसा लग रहा है कि गूगल मैप ने अब फिर से भटकाया है अपने को। लो छोटी गंगा नागपुर में भी बहती है, दिल्ली में बस नहीं है। गूगल मैप ने धोखा देते हुए कहाँ ला के छोड़ा, लिखा है यहाँ पे आई लव नागपुर। तो ये अपन पहुँच गए हैं ट्रिलियम मॉल। हाँ दिखाना है, ये इन है मैडम, आउट कहाँ हो रही हो आप? यहाँ पे सेकंड डोज दिखानी थी भैया, देख लीजिए। गुड नेम सर आपका? कार्तिक। इतने दिनों बाद मॉल की खुशबू सूंघ के ना। Thank you.
बाय 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 अन्नू, बाय बाय। अगला पता नहीं कहाँ भेजी, बाय समड़ी, बाय 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 बाय। अगला नन्या आंटी से मिलके सबसे हो गया, अभी वापस निकलने का है, लंबा हो जाएगा बहुत, एक दिन में 650 किलोमीटर। लेकिन अभी रात हो जाएगी तो फिर मैं मोटर व्लॉग तो नहीं करूँगा, लेकिन अपडेट दूंगा आपको कि कहाँ पहुँचे, कब पहुँचे, कैसे पहुँचे। ये ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक। अरे हाँ, यहाँ से हम ऊपर चले गए थे और जाना है नीचे से, अभी ये गलती नहीं करें। हाँ ऊपर चले गए थे भाई, तभी तो फिर वो दिक्कत। अभी ये अपन सदर बाज़ार आ गए हैं, यहाँ के संडे आज सब क्लोज है यार, थोड़ा सा टाइम रहता तो राजन नलोक से भी मिल लेते, लेकिन यहीं से जाने का है यार, यही गली है, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं है, कट टू कट चल रहे हैं एकदम। फिर से आऊँगा यार, अगर रामटेक नहीं गए होते ना तो बहुत। बस 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 भैया वो बंद हो जाएगी गाड़ी, बंद हो जाती है ना, क्या बताएं। अभी 360 किलोमीटर करीबन टोटल अपन सुबह से अभी तक का चला चुके हैं, अभी अपने को 300 और जाना है। ये आ गए अपन इतवारी, तो ये इतवारी ना इतवारी टाइप का है भाई, इतनी छुट्टी में मतलब इतनी भीड़। एक्चुअली में क्या है, ये मुस्लिम एरिया है तो मे भी शायद इस वजह से। ये देखो रेस हो रही है ट्रेन की और हिमालयन की, अरे बस भी आ गई बीच में रेस में, ये रोंटा ही बस, ये थामा थामा थामा। अपन अपोजिट चल रहे हैं सनसेट के, और आज भी सनसेट छूट गया, कल भी मेरा छूट गया। भीड़ देख रहे हो यार यूटी भाई, देखो चला तो रहा हूँ कंटिन्यूस। ये अपन लग गए हैं हाईवे पे, यहाँ पे जितना चेस करना है ना बस उतना करना है। ओ हो रहा है सनसेट, बहुत ही बेहतरीन। तो ये अंधेरा आता हुआ सनसेट पूरा हो गया ख़त्म, अभी अब जाने का है वापस। तो यूडी भाई की अब करंट लोकेशन ना हमसे 1 घंटा आगे बता रही है, एक बार अगर अंधेरा पूरा हो गया ना फिर थोड़ा थ्रॉटल देने में प्रॉब्लम। में वाली रोड है जो बाकी बन रही है, तो एक ही तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट किया है। ये जो गाड़ी में अपनी लाइट लग रही है ना, वालों की कुछ रेडियम साफ है, वो जो पड़ रही है ना ये देखो, ये बंद चालू बंद चालू ये बिल्कुल। और ट्रक की भी भीड़ इतनी है ना, हवासा बॉर्डर पेंच पार करके, यहाँ पे अपन खाए थे एक बार खाना। ओ यहीं पे मिलेंगे यूडी भाई, की ट्रक है ना यहाँ हवासा के टोल पे, भाग रहे हैं सब ऐसा जैसे छुट्टी हुई हो स्कूल से। अभी हम लोग अब दोनों लाइट मिला के ना अब चला रहे हैं 180 पे। इतनी देर से यूडी भाई अलग और मैं अलग राइड कर रहा था, दोनों की स्पीड कम थी, अब हम दोनों की हेडलाइट मिलके एक लाइट बना रहे हैं, और क्या ही मस्त लग रहा है। पता नहीं गोप्रो जज कर पा रहा होगा कि नहीं कर पा रहा होगा, नाइट विजन में नहीं डाल पाया था, बस मैंने से टाइम ही नहीं मिला इसका ISO सेट करने का। मंदिर फिर से आ गए, अभी बज रहे हैं रात के 8, चाँद कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त वो छुप गया मंदिर के पीछे। बज रहे हैं रात के 9 और फाइनली अपन पहुंच गए जबलपुर सेफली सही तरीके से। अभी अपन खड़े हैं तलवारा के पास आलिशान ढाबा पे MP20 के सामने, तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करने का टाइम आ गया है। तो आज हमने करीबन 600 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए, तो मेरे 6 बजे निकले थे और 8 बजे तक का 600 किलोमीटर नागपुर से होके आ गए। एक्चुअली इट्स मोर देन 650 किलोमीटर के बाद वहाँ जो आगे गए थे रामटेक वगैरह। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो वीडियो अच्छा लगा हो और ये दोनों तीनों पार्ट जितने भी बने हो वो अच्छे लगे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना सबसे पहले, तो उसके बाद लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, जितना हो सके शेयर करना, और हमेशा कम से कम कुछ ना कुछ तो कमेंट करो यार, थम्स अप करो, अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक करो, कुछ भी कमी हो वो बोलो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमेंट करो, स्माइली करो, कुछ भी करो लेकिन करो। तो ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसी किसी छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डोंट ट्राई टू डू दिस, बिकॉज यहाँ तक कैसे 500-600 किलोमीटर पहुँचने करने के लिए दिन के मुझे बहुत टाइम लगा और बहुत साल लगे इतना सब कुछ सीखने के लिए, रोड के बारे में, लाइट के बारे में जानने के लिए। डोंट राइट एट नाइट, प्रॉपर लाइट ना हो, कुछ ना हो तो बिल्कुल भी राइट मत करो, और रिस्क तो बिल्कुल भी मत लो हाईवे में। बस ये वीडियो यहीं पर था, उसको एंड करते हैं, और एंड करने के बाद फिर मिलते हैं किसी अगले हफ्ते छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए। नाइट राइड में मज़ा आती है नहीं, इट्स रिस्की, आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू डू दिस टाइप ऑफ राइड।
never go back to what we were, what I became so used to, what I thought would be forever.